हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। आज का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और टॉपिक मैंने चूज किया है मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंसीडर अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ 32 बिट्स एंड पेज साइज ऑफ 4 KB। सिस्टम इज हैविंग अ रैम ऑफ 128 KB, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेज टेबल एंड इन्वर्टेड पेज टेबल साइज इफ ईच एंट्री इन बोथ इज ऑफ साइज 4 byte। तो यहां पे हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया है कि 32 बिट्स का है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस स्पेस से ही। वर्चुअल एड्रेस स्पेस दो चीजों से मिलकर बनता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस में हमारे पास है नंबर ऑफ पेजेस एंड पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट को हम पेज साइज भी बोल देते हैं। तो हमारे पास दोनों में से एक वैल्यू जो है यहां पे गिवन है कि हमारे पास टोटल जो है ये 32 बिट का है। टोटल 32 बिट का मैं आपको बता देता हूं, मतलब क्या बनता है। कई बार यहां पे क्वेश्चन में ये भी दे देते हैं कि वर्चुअल एड्रेस इज ऑफ साइज समथिंग। अगर वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया तो ये हमेशा बिट्स में होगा। अगर वर्चुअल एड्रेस निकालना हो, व्हाट इज द साइज ऑफ वर्चुअल एड्रेस, तो साइज कैसे बन जाता है, 2^32। तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, 2^2 × 2^30। और 2^30 आपको हमेशा याद रखना है, इट इज GB, विच इज गीगा बाइट। और बाइट में क्यों ले रहा हूं यहां पे, बिकॉज मेमोरी इज बाय डिफॉल्ट बाइट एड्रेसिबल। अगर आपको नहीं भी मेंशन किया हुआ तो बाइट एड्रेसिबल ही आपको लेनी है। एंड व्हाट इज 2^2, इट इज 4। तो यहां पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कई बार ऐसे भी दिया हो सकता है, कंसीडर अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ साइज 4 GB। तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको बिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो 32 बिट का हमारे पास एड्रेस हो गया। अब पेज ऑफसेट या पेज साइज हमारे पास दिया है 4 KB। तो 4 KB को आपको तुरंत इसको फटाफट करना है कन्वर्ट। KB हमारे पास, K का मतलब क्या होता है, 2^10। M का मतलब होता है 2^20। और G का मतलब क्या है, 2^30। और उसके बाद T, that is terabyte, 2^40। तो यहाँ पे अगर मेरे पास K दिया है तो 2^10, और 4 को आप कन्वर्ट कर लो 2^2 में, तो ये टोटल कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 2^12। बाइट को नहीं कन्वर्ट करना, बस ये पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना। ऐसा ना हो कि आप बाइट को बिट में कन्वर्ट कर लो और 3 bit और ले लो यहां पे। नहीं, मेमोरी इज बाय डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल। कई बार वर्ड एड्रेसेबल भी दी होती है और वर्ड का साइज दिया होता है कि ईच वर्ड इज ऑफ 2 byte, 4 byte, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन, तो आप बाय डिफॉल्ट 1 byte के हिसाब से लेके चलो। तो 12 यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो अगर 12 ये आ गई, टोटल साइज 32 का है, तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, 20 नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस है 2^20, क्योंकि 20 तो नंबर ऑफ बिट्स है जो हम यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, 2^20। अब इन सारे नंबर ऑफ पेजेस में, 2^20 मतलब 1 MB है, इन सारे पेजेस में होगा क्या, इन सारे पेजेस में हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की हुई है, और जो सबसे मेन वैल्यू है वो क्या है, फ्रेम नंबर। कि एक्चुअल में कोई पेज कहां पे पड़ा है, उसका फ्रेम नंबर क्या है। उसके अलावा इसमें वैलिड बिट, रेफरेंस बिट और भी बहुत सारी पेज एंट्रीज होती हैं। तो पेज एंट्री में हमारे पास जो साइज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 4 byte। तो टोटल पेज टेबल का साइज कितना हो गया, पेज टेबल का मतलब है, लेट से अगर ये मेरे पास एक पेज टेबल है, उस पेज टेबल में हमने निकाला कितनी एंट्रीज हैं, कितनी एंट्रीज हैं, 2^20। हर एक एंट्री का साइज कितना है, 4 byte, 4 byte, 4 byte। तो उस 4 byte में मैंने भी बताया क्या होता है, फ्रेम का नंबर मेन होता है, उसके अलावा वैलिड बिट, रेफरेंस और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहां पे आप 4 byte से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ गया, पेज टेबल का साइज आ गया। देन इन्वर्टेड पेज टेबल का साइज निकालना है। तो इन्वर्टेड पेज टेबल में आपको याद रखना है क्या, पेजिंग में एक प्रॉब्लम होती है कि हर एक प्रोसेस के लिए हम पेज टेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवरहेड हो जाती है। लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल में हमारे पास सिर्फ एक पेज टेबल होता है, सिर्फ एक पेज टेबल। और उस पेज टेबल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, उस पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स के बराबर होती है। मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स इन
मेन मेमोरी के बराबर होती हैं। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी आप कैसे निकालोगे, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। हमने लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस का तो अभी फार्मूला देखा, अब आपको मैं बता रहा हूं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी का साइज। मेन मेमोरी का साइज कितना है, 128 KB। तो 128 KB को आप कन्वर्ट करोगे जब बिट्स में, तो 2^7 ये बन जाता है 7, 128 का 7, K का मैंने अभी बताया था 10, तो ये क्या हो गया 2^17, और बाइट को कुछ नहीं करना आपको। तो टोटल फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है हमारे पास, 17 बिट का, और पेज का साइज हमारे पास दिया है 4 KB। तो हमें हमेशा पता है कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज क्या होता है, बराबर। तो यहां पे आपको 12 साथ के साथ लिख लेना, तो यहां पे बचा क्या है, ये वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 17 माइनस 12 करोगे तो 5। तो 2^5 क्या है, 2^5 नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। गाइज मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन में मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पेजिंग का, इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे, लेकिन टेस्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पेजिंग और इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट पता है, और उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। इवन हर एक एंट्री में क्या क्या वैल्यूज होती है पेज टेबल की एंट्री में, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक बार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाएं और फिर उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को आप करके जाएं। तो 2^5 क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स आ गए, मतलब मेन मेमोरी में 2^32 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, और हर फ्रेम में होता क्या है, 4 बाइट ऑफ एंट्री। यहां पे लिया हुआ है कि बोथ का साइज कितना, एंट्री का 4 बाइट। तो बस रेशो निकालनी है, रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2^20 इंटू 4 बाइट, दिस इज द पेज टेबल साइज, एंड 2^5 इंटू 4 बाइट, दिस इज द इन्वर्टेड पेज टेबल साइज। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इन्वर्टेड पेज टेबल साइज, और ये नॉर्मल पेज टेबल साइज है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, रेशियो में फाइंड आउट करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, 2^20 डिवाइड बाई 2^5। तो ये आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस सेम है, और आप माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2^15 रेशियो 1। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। तो यहां पे ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बहुत बार आए हुए हैं पेज टेबल में से, पेजिंग के ऊपर। मेमोरी मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में से। तो आप प्लीज इसको अच्छे से करके जाएं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।